अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं कनीज फातिमा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के घनौने इकदाम के हवाले से बात करते हैं। मशरकी वस्ता को कशीदगी में झोंकने की नई साजिश, अमेरिका ने यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। सदर ट्रंप का अमरीकी सफारतखाना भी मकबूजा बैतुल मक़द्दस मुंतकिल करने का ऐलान। वाशिंगटन के अलावा यरूशलम में किसी मुल्क का सफारतखाना नहीं। तेल अबीब में दुनिया के 86 ममालिक के सफारतखाने मौजूद हैं। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकबूदा बैतुल मक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने से मुतालिक फैसले को काफी मुखालफत का सामना रहा। उन्होंने कहा कि अमरीका ने दो दहाइयों तक इस इकदाम से गुरेज किया, लेकिन इसराइल और फलस्तीन के दरमियान पायदार अमन के लिए कोई आसार नजर नहीं आए। लिहाजा अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मकबूदा बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। जी कर्नल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी और मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसको बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया है, इस पर मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है इतराज़ात आ रहे हैं और शदीद मुज़म्मत भी की जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टेक ओवर किया एज़ प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, ना तो दुनिया को और ना ही मैं समझता हूँ कि वहाँ जो बसने वाले अमरीकी हैं उनको कोई अच्छी खबर ये शख्स दे सका है। और मैं खैर आज तक जब भी कभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में टीवी के ऊपर बात की है, सर्टली आपने कुछ नॉर्म्स कुछ कस्टम्स को देखना होता है, यू डोंट हैव टू यूज़ दैट लैंग्वेज। लेकिन इवन जब ही वॉज रनिंग फॉर द प्रेजिडेंशियल कम्पेन और उसके बाद भी, तो लोगों ने मतलब जिस तरह के इल्काबाज से इनको नवाजा और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी ये डिस्कस होता रहा कि इस वेरी अनफॉर्चुनेट के डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स जो है इस सिस्टम को, आप ये कह सकते हैं, या अमेरिकन को बेवकूफ़ बना के, अमेरिकन गोरों को बेवकूफ़ बना के दुनिया की सो फार ये खुद अपने आप को तो कहते हैं ठीक है दुनिया के ताकत के मराकज सर्टली अब तब्दील हो रहे हैं, तो ये शख्स जो है ये अमेरिका का सोल सुपर पावर अपने आप को ये क्लेम करते हैं तो ये प्रेसिडेंट बन बैठा है। और फिर इसके बाद एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, हर फैसला आप देख लें, इसकी स्टेटमेंट्स देख लें, इसका रवैया देख लें, इसका बॉसिंग देख लें, इसका एटीट्यूड देख लें। ये वजह है कि उन्होंने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अभी तक जो थे वो कोई भी पायदार अमन के कोई आसार नजर नहीं आते, इसके पीछे क्या सिर्फ यही वजह है कि कोई और भी वजह नहीं? मैं आपसे ऐसे बताऊँ कि ये शख्स वो है कि मेरा ख्याल है कि दुनिया को जिस स्पीड के साथ ये तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, इस फैसले ने इसको और महमेज दे दिए, मैं तो इसको इस तरीके से कहूँगा। यानी कि आप देखिए कि व्हाट इज़ द लॉजिक, देखिए दो तीन चीज़ें आती हैं। पहले तो कल भी जब उसने वो डिलीवर किया वो एड्रेस, तो उसके चेहरे की वो नखवत, उसके चेहरे का वो तकब्बुर आप नोट कीजिए, द वे ही वॉज एड्रेसिंग द पीपल। इसके बाद उसने कहा जी कि ये मसला वो है, ये वो है कि इसके ऊपर कांग्रेस इसको अलाउ कर चुकी थी, सेनेट इसको पास कर चुका था, लेकिन जो पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं हिम्मत नहीं थी, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो डिलीवर नहीं कर सके। एंड देन मतलब इसको कहते ना अपने आप को एक सेल्फ प्रेजिंग, ठीक है, एक बेवकूफ़ और एक अहमक तरीन शख्स जो होता है वो, इट वॉज ही, उसने कहा जी कि नहीं मैं डिलीवर कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू, दुनिया का किसी भी स्टेटमेंट्स को ले लें, वो कभी मीडिया के ऊपर आके, टेलीविजन के ऊपर आके, किसी भी डिसीजन के ऊपर, और वो डिसीजन जो कि सटली इवन राइट इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन, इससे पहले भी आपको ये पता था कि ये मतनाज़ा तरीन मसला होगा, और वो कह जी कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो ऐसे अहमक शख्स के ऊपर आप सच्ची बात हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा फातिमा, अगर आप मुझे परमिट करो, इस सारे कजिए को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक तो यरूशलम का ताल्लुक आता है, इसको ना सिर्फ ये कि आप अगर हिस्ट्री भी देखी जाए तो ना सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि क्रिश्चियन और फिर जो यहूदी हैं वो तीनों के लिए इसको एक मतबर्रक तरीके से देखा जाता है, तस्लीम किया जाता है। अच्छा, आपको मैं ये बताऊं कि ये सारा जो एरिया तकरीबन आता है, ये 43 प्लस 57 कर लें, ये कोई 10,000 स्क्वायर माइल्स के करीब ही सारा एरिया इसराइल का ओवरऑल आता है। पहले तो मैं आपसे ये बता दूं, ये ओटोमन अम्पायर उस्मानी सल्तनत के ज़ेरे तसल्लत था ये इलाका, और ये तो तकरीबन कोई इनका चला था 1517 ऑनवर्ड से लेके 400 साल तक इसको रूल किया उस्मानियों ने जी।
तमाम अरब मुस्लिम्स यहाँ पर रहते थे, टर्क्स यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर किसी तरह से नॉट इवन अ सिंगल ज्यू वाज प्रेजेंट इन दिस एरिया। एक तो ये देखिए एक तारीखी हकायक हैं वो ज़रूर हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे अलहदा बाकी की पीछे की अगर तारीख के अंदर जाना शुरू करेंगे तो फिर हर मुल्क दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा जब क्लेम करना शुरू करेगा। नवाज शरीफ ने भी कहा है कि जो अमरीकी सदर ट्रंप ने ये इकदाम किया है, ये जो फैसला किया, उससे पुराने जख्म जो है वो ताज़ा हो गए हैं। शहबाज शरीफ को हम डिस्कस करते हैं, मैं जो बात आपसे करने जा रहा था, बिकॉज ये तारीखी हकायक को हमें ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उसमें उस्मानियों को शिकस्त हो गई, जब उस्मानियों को शिकस्त हुई तो जो अरब वर्ल्ड थी उसने, या जो वहाँ के अरब मौजूद थे, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ काम किया और उनको ये गारंटी दी गई थी कि जी ये सारे का सारा एरिया जो है ये फ़लस्तीनियों के पास आ जाएगा, ये हम अरब मुस्लिम्स को दे देंगे। अच्छा, इन बिटवीन क्या हुआ, जब ये हुआ, अच्छा उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया 1915 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक और मुआहदा फिर 1917 में, ठीक है, इन्हीं आलमी कुव्वतों ने और फिर ब्रिटिशर्स ने ये मुआहदा किया जूस के साथ भी कि नहीं हम आपको फील करते हैं कि आपका एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, और 1920 से एक एक करके यहूदी यहाँ पर आना शुरू हुए, लेकिन बहुत ही कलील मकदार के अंदर, और ये मकदार इनिशली सैकड़ों से ज़्यादा नहीं थी। फिर 1931 के अंदर कोई 4000 के करीब यहूदी आए। अच्छा, ये तादाद फिर बढ़ने लगी, तो हुआ ये कि लीग ऑफ नेशंस जब इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बनी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इस इलाके का जो कंट्रोल है, जो इसराइल अब जिसको कहा जाता है, ठीक है, या फलस्तीन का जो कंट्रोल है इस एरिया का, ये आप सारे का सारा ब्रिटिशर्स करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब वहाँ पर स्किर्मिशेस शुरू हो गई मुसलमानों की, अरब मुस्लिम्स की भी ब्रिटिशर्स के साथ और ज्यूज के भी ब्रिटिशर्स के साथ, और ये सिलसिला चलता रहा टिल 1947 का टाइम आ गया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जब हुई तो अगेन ब्रिटिशर्स, देखिए एक मैं बताऊं, आज मैं कल रात को देख रहा था कि ब्रिटिश ने कहा कि जी हम इसको कंडेम करते हैं, वी नॉट एक्सेप्ट इट, दिस इज नॉट द वे, नहीं बाकी ममालिक ने कहा, मैं ब्रिटिशर्स की बात करूँ, ब्रिटिशर्स का आई से कि इनका इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना घिनौना किरदार है इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान ताहो बाला है, तो ब्रिटिशर रूल्स को आप किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस तरीके का उन्होंने रोल प्ले किया, कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने डिस्प्यूटेड करके इस हेस्टी तरीके से बरसगीर से निकले, एंड लाइकवाइज जो कज़िया उन्होंने तय करना था, ये जो एरिया था मुसलमानों का था, मुसलमानों से ताल्लुक रखता था, ठीक है, यहूदियों के आबाओ अजदाद कभी रहते होंगे तो मुसलमान भी तो यहाँ पे रहते थे ना, सो दैट उसको आप तो नहीं कैटर कर सकते, लेकिन रफ्ता रफ्ता करके इन मगरबी कुव्वतों ने और फिर अमेरिका ने यहाँ पर यहूदियों को एक एक करके बसाना शुरू किया। 1947 में फिर एक उस वक्त अक़वामे मुत्तहिदा बन गई, ठीक है, इसको थोड़ा सा टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की बात हम करते हैं, तो उन्होंने एक मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर एक आप कहते हैं कमीशन बनाया कि जी आप ये बताइए कि ये किस तरीके से हम सारा ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने जब अपनी रिकमेंडेशंस दी यूनाइटेड नेशन को, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप यूँ कीजिए कि आप इसराइल को और फ़लस्तीन को दो अलहदा ममलकतें बनाइए। उसके अंदर ये था, आप देखिए जब ये हुआ 47 के अंदर, तो 66% आबादी थी वहाँ पर फ़लस्तीनी अरब्स की, और 33% आबादी जो थी वो थी ज्यूस की, दैट मीन ये रेशियो था। लेकिन जब इलाका तकसीम किया गया तो वो मैं जो कह रहा हूँ कि 4300 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया था वो उन्होंने कहा जी कि नहीं, यहाँ पे फ़लस्तीनी हुकूमत बनेगी 2/3 मेजॉरिटी के लिए जी, और जो 1/3 मेजॉरिटी ज्यूस थे उनको कहा जी कि हम आपको 5700 स्क्वायर माइल का एरिया देंगे। अच्छा, और साथ ही उनको ये कहा गया कि जो यरूशलम है वो इंटरनेशनल सिटी होगा, क्योंकि इसके जिस तरीके से तकद्दस है, जो उसका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से मुसलमान इसके साथ जुड़े हुए हैं, ज्यूज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं और क्रिश्चियन जुड़े हुए हैं, तो इसको बेसिकली यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में जाएगा और ये सिलसिला सारा रहेगा। अच्छा साहब, इसकी हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को बता दी और हर चीज़ के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब जो है सवाल मेरा आपसे ये है कि सुपर पावर अमेरिका बहुत पहले जो है बहुत से ममालिक को जो है वो ले डूबा है, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पीछे वो हाथ धो के पड़ गया है। मेरा सवाल ये कि और कितने ममालिक को ये बर्बाद करेगा?
देखिए इसकी तो कोई इंतहा नज़र आपको आती नहीं है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा अहमक आदमी अगर अमेरिका को रूल करता रहेगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। इस वक्त अगर आप अमेरिका देखें, पहली चीज़ तो ये है कि यरूशलम को अगर आप इसराइल का दारुल खिलाफा तस्लीम करते हैं, ठीक है, उनके दफातर वहाँ पर मौजूद हैं, वो तो फिर बड़ी अगर फर्दर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो वेस्ट बैंक का एरिया आता है, गाज़ा का एरिया आता है, फिर इसराइल का इलाका आता है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि 1947-48 के बाद जिस तरीके से 1967 के अंदर 6 दिन की जो वॉर हुई थी तो इसराइल ने वो जो माइट था अरब माइट उसको किस तरीके से ब्रेक किया और तमाम बैनुल अक्वामी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए आलमोस्ट पूरे आप सहराए सीना पे कब्ज़ा कर लिया, और बाकी जो है ये वेस्ट बैंक की बात करें या फिर ओवरऑल पूरे फ़लस्तीन की बात करें वो तो सारे के सारा इनके पास आ गया। फिर इससे पहले जो वेस्ट यरूशलम था वो था इनके पास इसराइल के पास, जब 67 गुजरा तो उसके बाद वो जो ईस्ट यरूशलम था वो भी इन्होंने एक्चुअली उन्होंने कब्जा कर लिया। वो तो एक ऐसी दास्तान आपको नजर आती है कि यू डोंट बिलीव कि मॉडर्न डे हिस्ट्री के अंदर जब कम्युनिकेशन जराए इतने फास्ट हैं सारा कुछ है तो वो इंसानी कवानीन वो हुकूक और उसके बाद मतलब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास कुव्वत है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए किसी भी मुल्क पे जाके कब्जा कर लें, यू आर अनटचेबल, नोबडी कैन से एनीथिंग टू एनी कंट्री फॉर दैट मैटर। ये है वो स्ट्रेटजी जो कि आपको अमेरिका की नजर आती है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज को क्या करना चाहिए? नहीं, मुस्लिम कंट्रीज इससे पहले जो कुछ करते रहे वो इसी तरह करेंगे। इनके अंदर वो आपको जिसको अमेरिका बड़ा क्लेवरली आप कह सकते हैं कि इनको डिवाइड और रूल करने के अंदर ये कामयाब हुआ। मुस्लिम कंट्रीज पहली बात तो ये है कि उनके अंदर सख्त कितनी है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आप अमेरिका को देख लें, इंडिया को देख लें और फिर इसराइल को देख लें, आप इमेजिन करें ये वो तीन कुव्वतें हैं जो कि आपको एट टाइम्स लगता है कि जैसे इनके ऊपर दुनिया का कोई जाब्ता लागू नहीं होता, किसी तरह का भी जाब्ता लागू नहीं होता, ये अपने आप को हर कानून से मुबर्रा समझते हैं। वट एवर इज़ हैपनिंग अक्रॉस द बॉर्डर और LOC वर्किंग बाउंड्री के कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ दुनिया से कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, एंड क्रेडिट गोज़ टू द ब्रिटिशर्स, नो डाउट। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए कि जो ये इकदाम किया गया है अमरीकी सदर की जानिब से, इसका जो है गैर मुल्की पॉलिसी को इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही ये इससे पहले लोगों को पता चल गया था कि इस तरह की पॉलिसी कोई आने जा रही है तो उससे पहले ही ओके टीवी शोज़ बाहर के ममालक में शुरू हो गए थे, बाहर के ममालक के जो जोमा हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि नहीं किसी सूरत भी इसका इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर एक और चीज़ मैं आपसे बताऊँ, अगर देखिए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के दरमियान हमास सर्टली इट इज़ पार्ट ऑफ दैट, अगर उनके दरमियान अगर अमन प्रोसेस नहीं चल रहा या वो डी रेल हो चुका है तो भाई देखिए ना बात तो ये आ जाती है तो इसराइल का ओके नकेल किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में। अमेरिका इज़ द कंट्री कि जिसने कहा था जी हाँ हम इन दोनों के दरमियान पीस अकार्ड कराएंगे, इनके दरमियान हम अमन कराएंगे, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि वेयर इज़ दैट अमेरिका टुडे, वो वेयर इज़ द फेस ऑफ दैट अमेरिका। सो दैट मीन कि जो जिम्मेदारी अमेरिका की आती थी वो एक तो उसने पूरी नहीं की, जिम्मेदारी पूरी करना तो दूर की बात है, प्रीस प्रोसेस को आगे लेके जाना तो दूर की बात है, उसने तो सही मानों में जलती के ऊपर तेल डाला है। हकीकत में मैं आपसे ये बता दूं, और अगर आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, मैं दो चीज़ें आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कैसे इलेक्ट हो गया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस तरह का शख्स है कि वो तो कोई भी काम कर सकता है। वहाँ का जो अमेरिकन नो थिंक टैंक है, ठीक है, चाहे उसको अमेरिकन CIA ले लीजिए, किसी और तरीके से ले लें, इस शख्स से उन्होंने इस तरह के बेवकूफ़ाना काम करवाने हैं, इमीडिएटली काम करवाने हैं, चाहे कुछ भी कर लें, और आप देख लीजिएगा कि इसकी अगले साल आप इम्पीचमेंट भी होते हुए देखेंगे। लेकिन बाय द टाइम मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका की पॉलिसी है डिवाइड एंड रोल की, वो भी आपको हर तरह हर जगह नज़र आती है, चाहे आप अफगानिस्तान को ले लीजिए। अच्छा, फिर मुस्लिम मुल्कों को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है अमेरिका ने, एंड आई एम रियली सरप्राइज कि इस सारे होने के बावजूद किसी मुस्लिम मुल्क को समझ नहीं आ रही कि ये अमेरिका क्या करता जा रहा है। सऊदी अरब का रोल क्या देखते हैं आप इस सारे मामलों के अंदर? सऊदीया के ऊपर सर्टली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज वो किस तरीके से फ्रेश उनके मुहादे हुए हैं इनके साथ, तो अब इट विल बी डिफिकल्ट। वो देखिए वो उनका अपना एक सर्वाइवल स्टेक पे आता जा रहा है, उनका इंटरनली उनके बड़े प्रॉब्लम सऊदी अरब के भी बीच में आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रिंसेस जो हैं वो उनको बंद किया हुआ है, सारा जो कुछ भी है, ठीक है, यू मे कॉल इट कि जी वो आप कह सकते हैं कि करप्शन के ऊपर किया, करप्शन सर्टली इट वॉज देयर,
आपके सवाल में कि जो है उनकी जानिब से भी जो है मुजाहरे सामने आ रहे हैं, इजलास तलब कर लिए गए हैं, हफ्ते के रोज जो है वो अरब लीग करेगी इजलास, और जो दूसरी आपने OIC का नाम लिया है तो वो 13 दिसंबर को इस्तांबुल अगर एक चीज मैं आपसे बता दूं, अगर आपके इस्लामी ममालिक उनकी हुकूमतें इफेक्टिव होती, अगर OIC इफेक्टिव होती, अगर यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव होती, तो आप मुझे ये समझाइए कि क्या 8 लाख फलस्तीनी जो हैं इस टाइम वो पनाहगज़ीनों के कैंप के अंदर पड़े होते? सर्टनली नॉट। जिस तरीके से वेस्ट बैंक के ऊपर और फिर गज़ा के ऊपर जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जुल्म व तशद्दुद की नई नई एक तारीख रकम की इसराइली फोर्सेस ने, इसराइली फ़ज़ाइया ने, क्या ये होता ना? बिल्कुल ऐसा कुछ ना होता। ये मैं आपको ये बता दूँ, माइट इज़ राइट की जब मैंने आपसे बात की है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जब मैंने बात की है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये खित्ता अब और स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर ये जो पोर्शन है इसके अंदर अब और एक लिहाज से रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी। और देख लें कि ना सिर्फ फलस्तीनियन अथॉरिटी ने भी, हमास ने तो अपना एक लिहाज से वो एक लिहाज से रिस्पॉन्स देना है, तो उन्होंने ये कहा कि शायद हम अब आज़ाद हो गए हैं और हमें नए सिरे से सोचना है कि अब हमने एक्चुअली करना क्या है। मकसद कहने का ये है कि ये है वो अमेरिका का वो भयानक किरदार। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड ये करा दूं कि जब जॉर्ज बुश जूनियर टुक ओवर अमेरिका तो उसने ना इनिशियली कोई $20 मिलियन अलॉट किए कि जस्ट टू फाइंड आउट कि जी अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर इतना काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो ये दुनिया इससे इतनी नफरत क्यों करती है? तो आज जॉर्ज बुश को भी जो जूनियर है उसको भी बाकी सारे अमेरिका को पता चल गया होगा कि हाँ Why people hate Americans and it's very unfortunate. एक normal एक आम American का इसके अंदर कोई लेने देना कोई कसूर नहीं है। ये एक वो lobby है, the strongest lobby, और वो think tank हैं मुख्तलिफ तरह के जिन्होंने पूरे American system को hostage बनाया। ये बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने American system को hostage बनाया हुआ है जैसे पाकिस्तान के अंदर आपका जो political system है अगर पूरे मुल्क को hostage किया हुआ है। करण साहब, अगर मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका का इस कंडीशन के अंदर बायकॉट कर देते हैं, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने ये सब कुछ किया था, उन्होंने शाह फैसल के साथ मिलकर ये सब सारे मामलात किए, बायकॉट करने का सोचा था, तो उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? अब ऐसा हो सकता है कोई बायकॉट? सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं, ख्वाहिशात पे भी सर्टली आप किसी की कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। 1973 यानी कि इसको ऑलमोस्ट कह लीजिए कि कितने साल हो गए, 44 ईयर्स की बात आ जाती है। 44 ईयर्स के दरमियान मैं समझता हूँ कि हमने फर्दर अगर मुस्लिम कंट्रीज़ को वन बाय वन भी ले लें तो वो मज़ीद वीक हुए, बारगेनिंग पावर उनकी ख़त्म हुई, इकॉनमी उनकी ख़त्म हुई, वो उस तरीके से मजबूत ना हो सके, फाइनेंशली भी मजबूत ना हो सके, डेमोक्रेटिकली भी मजबूत ना हो सके और फिर मिलिटरीली भी मजबूत ना हो सके। एक तो इस तरफ कर दें, दूसरी तरफ 1973 के बाद जो मैं समझता हूँ कि जो अमेरिकन थिंक टैंक थे, जो उन्होंने सबक सीखा, जो वेस्टर्न पावर्स थी वो उन्होंने सबक सीखा, उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया और वो काम था ये अब उसी के जो आफ्टर जो इफेक्ट्स थे उसी के मुताबिक जो अमल किया जा रहा था कि दोबारा बायकॉट ना करें या दोबारा इस तरह के मामला ना, वो तो भी देखिए सब इसी उसी प्लानिंग पे चल रहा है। देखिए नहीं, उसके देखिए आपने क्या किया था उसके अंदर, उसके अंदर तो आपने तेल की पाबंदी लगा दी थी, यही हुआ था ना उसके अंदर। नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ तरीकों से काम शुरू किया, मुस्लिम ममालिक को आपस में ज़्यादा सीरियसली लड़ाना, मुस्लिम ममालिक को कमज़ोर करना, उनकी मईशत को कमज़ोर करना, उनको तबाह बर्बाद करना। इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल आप शुरू कीजिए, आपको अफ़गानिस्तान नज़र आता है, आपको इराक नज़र आता है, आपको लीबिया नज़र आता है, आपको सीरिया नज़र आता है, और इवन फॉर दैट मैटर इजिप्ट भी तो किसी हालत के अंदर है नहीं। फिर ओवरऑल इस वक्त जो अगर आप मिडल ईस्ट के ममालिक की भी सूरत हाल देखें तो आपको इतनी रोजी पिक्चर नज़र नहीं आती। जो कुछ स्टैंड ऑफ चल रहा है इन बिटवीन सऊदी अरेबिया और ऊपर काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म की, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर वो खुद चले गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सी के अंदर से उनका ऑयल निकलना ज़्यादा उन्होंने सीरियसली, फिर अल्टरनेट एनर्जी के ज़राए के ऊपर आ गए, एक वो फ़र्क पड़ा, अब तो इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वगैरह चंद सालों के अंदर आने लगी हैं। सो दैट वाज द डिफरेंस। आप सिर्फ इतना सोच लीजिए
वो इन सारी चीजों के ऊपर भी। करण साहब यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे दोबारा, अपने जो डिस्कशन है वो सिलसिला जारी रहेगा अमेरिका और मशरिक व्यवस्था के लिहाज से नया जो घिनौना काम स्टार्ट हुआ है।